अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ करतारपुर अपनी फ्रेंड्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गो। कॉपीराइट ने बहुत तंग किया हुआ है, कॉपीराइट से बचने के लिए मैं वो फन नहीं आपको दिखा सकती जो हमने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग किया था। सो या यहाँ पे भी मैं और तिमसाल जो है वो बहुत फ़न कर रहे थे, लेकिन गानों की वजह से वीडियोस नहीं डाल सकती मैं। और बहुत मज़ा कराया मुझे तिमसाल ने, थैंक यू डियर। हाय गाइस, वी हैव रीच्ड करतारपुर फाइनली, यस लेट्स गो इन। ओके सो वो मेरा नहीं था। हाय तुम आ जाए करो हमेशा बीच में। जी गाइज, हम लोग यहाँ अंदर खड़े होकर वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो चेकिंग हो रही है, लाइक आईडी कार्ड्स वगैरह चाहिए, और जिनके आईडी कार्ड्स नहीं हैं उनको अपने फादर के CNIC का नंबर सबमिट करवाना है। एंड देन वी विल गो इनसाइड। आई एम स्टैंडिंग विद दिस स्टूपिड गर्ल, दिस स्टूपिड गर्ल। जी, और यहाँ अंदर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म किया गया नो वीडियोज नो टिकटॉक्स। पिक्चर्स बनाने की जो है वो इजाज़त थी, इसलिए मैंने पिक्चर्स को डिफरेंट कंपाइल किया है और डिफरेंट एंगल से गुरुद्वारे की पिक्चर्स को मैंने कैप्चर किया है। अंदर वाले एरिया को भी ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने कैप्चर किया है। और ये गुरुद्वारा है और इसके अंदर जब हम गए थे तो यहाँ वीडियोज़ बनानी भी अलाउड नहीं थी। और ये कुआं हमें दिखाया गया, हमारे साथ टूर गाइड थे, उन्होंने हमें दिखाया और बताया कि ये कुआं जो है वो गुरु नानक जी जो थे वो इसमें से खेतीबाड़ी करते थे, यहाँ से पानी लेके, और इसको अब इस तरीके से कवर कर दिया गया। इसके अलावा एक और कुआं भी था, वो भी तक वैसी हालत में ही था, वो भी बाद में देखते हैं। और ये एंट्री थी गुरुद्वारे की इस साइड पर, और यहाँ पर साइड पर जो है वो यहाँ पर उनकी चादर और उनके फूलों को तदफीन किया गया था। अंदर जाने के बाद हमें ये रूम दिखाया गया और बताया गया कि यहाँ पे वो लोग अभी तक गुरु नानक जी को महसूस करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने अपनी किताब रखी हुई थी और उनके लिए पूरा ये रूम रेडी किया हुआ था। आफ्टर दैट करतारपुर कॉरिडोर में हमने इनॉग्रेशन पॉइंट देखा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया था। यहाँ से आगे 3 किलोमीटर्स बाद इंडिया स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आके हमारे फ़ोन्स के टाइम भी इंडिया के साथ सेट हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने वो कुआं देखा जो अभी तक उसी हालत में था जहाँ से गुरु नानक जी जो थे वो खेतीबाड़ी करते थे, और इसको कवर्ड प्लेस में जो है वो कवर किया गया था। उसके बाद हमने वो गोला दिखाया गया जो 1971 में इंडियन आर्मी ने जो है वो फेंका था करतारपुर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट वो इसी कुएं ने उसको अपने अंदर समा लिया था। उसके बाद हमने लंगर खाना गए, हम यहाँ पे खाना वगैरह मिला और बहुत ही डिसिप्लिन से सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे। उसके बाद हम लोग सरोवर गए जो कि मेल्स और फीमेल्स के लिए डिफरेंट था। ये फीमेल्स वाला एरिया है जो पूरी तरह से कवर्ड था, और यहाँ पे आके वो लोग स्नान करते थे, और ये मेल्स वाला एरिया है, ये खुला एरिया था, यहाँ पे स्टेयर्स थी, वो नीचे जाके नहाते थे। जी, तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, तिमसाल कैसा रहा? इट वाज ऑसम, बहुत अमेजिंग है। और अंदर रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं जो कि एक हॉली प्लेस के लिए होने चाहिए, रिलीजियस प्लेस के लिए, सो डू विजिट इट गाइस। जहाँ पे जाके इतना स्पिरिचुअल हो जाता है इंसान, और ऐसे लगता है जैसे लाइफ एकदम बिल्कुल पीसफुल हो गई है, एकदम से ठहर गई है, सो डू विजिट इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। यहाँ पे बाहर ही बाज़ार है, आई डोंट नो इंडियन बाज़ार कह रहे थे। यहाँ पे स्टॉल्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे ये टॉयज थे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कपड़ों के स्टॉल्स थे, जूते थे, और वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट करके जो है वो हम लोग दे रहे थे यहाँ पे। टाइम टू रिटर्न दिस बैग, बाय बाय, बड़ा मज़ा आया। ये कार्ड्स रिटर्न करके हम लोग वापस गए बस में, हमें जो है वो लंच बॉक्सेस मिले, हमने खाना खाया और बहुत मज़ा आया। हम लोग अराउंड 3:30 तक हम लोग निकल गए थे लाहौर के लिए, और 2 आवर्स में हम लोग ऑलमोस्ट लाहौर पहुंच गए थे, और बहुत मज़ा आया। और ये तिमसाल की हरकतें जो हैं ना, ये इग्नोर करें।
बस में हमने एक बहुत बहुत खूबसूरत सनसेट विटनेस किया, और ये कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहा जिस तरह से हम इसको देख रहे थे, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। मैनी ऑफ़ यू माइट थिंक और कॉमेंट के वॉट मुस्लिम्स आर डूइंग इन गुरुद्वारा, सो आई डोंट थिंक इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है। हम लोग वहाँ गए, हमें उनके रिलीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ पे हम इंडियन सिख से मिले, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से वो लोग मिले और उन्होंने बताया कि वो लोग दिल्ली से आए हैं या किसी और शहर से आए हैं। हमने बताया हम लोग लाहौर से हैं और बहुत लविंग थे वो लोग। एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब and I will see you in another one. Until then, this is Mia Deen signing off.